मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण नुस्खों की इसी कड़ी में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने हेतु आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, पुरुषों ने तो अपने अनेक रोगों के बारे में कमेंट डालकर पूछा ही है, परंतु हमारी जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां, वे अपनी समस्याओं को पूछते हुए झिझकती हैं, शर्माती हैं और संकोच करती हैं। फिर भी कई महिलाओं ने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पूछा है। देखिए, स्त्री और पुरुष ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं और यदि दोनों पहिए समान गति से चलेंगे तभी गाड़ी आगे सुचारू रूप से बढ़ती है। यदि एक पहिया जाम होगा और एक फ्री चलता रहेगा तो गाड़ी कभी नहीं चलती है। इसलिए हमेशा पुरुष को स्त्री का और स्त्री को अपने पुरुष का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और परस्पर मिलकर काम करना चाहिए और अपनी स्त्री का, उसके स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। यह प्रत्येक पुरुष का भी अपना कर्तव्य है। देखिए, मैं महिला का बहुत सम्मान करता हूं और कुछ अपवाद यदि छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक महिला को, भारतीय महिला को, मैं एक देवी का स्वरूप मानता हूं साक्षात। अपवाद स्वरूप मतलब जैसे कैकेयी और मंथरा नाम की आपको कोई स्त्री समाज में नहीं मिलेगी, तो ये हुआ अपवाद। बाकी इन सबको छोड़ दीजिए तो हमारी जो महिलाएं हैं वे साक्षात देवी रूप है और इन सबका सम्मान करना चाहिए। आज का वीडियो मैं अपनी बहन बेटियों को ही समर्पित करता हूं और उन्हीं के कष्ट के निवारण के लिए आज का ये वीडियो मैं देता हूं। सभी महिलाओं को, सभी बहन बेटियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, नमन। तो आज का जो विषय है वो है जरायु भ्रंश, जिसको आम भाषा में नाभ हटना कहते हैं, प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। और ये मैं आपको बता दूं, ये इसमें दो प्रकार की समस्याएं होती है। ये जो गर्भाशय होता है, जरायु जो होती है, मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है और ये कभी कभी पीछे की तरफ झुक जाती है और कभी आगे की ओर खिसक आती है। जब ये आगे की तरफ खिसक जाती है तो पेट में दर्द होता है, मासिक धर्म के समय भी दर्द होता है, सूजन आ जाती है, गर्भधारण में बाधा आती है, बार बार पेशाब होता है, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। और जब ये पीछे की तरफ खिसक जाती है तो, और अक्सर ये प्रसव के बाद होता है, डिलीवरी के पश्चात ऐसा होता है, भीतर के जो अंग हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। कमर में दर्द होता होगा, अंगों में दर्द होगा, वजन नहीं उठा सकती, श्वेत पर्दर, रक्त पर्दर, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसमें लेटने पर आराम आता है। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कब्ज बिल्कुल नहीं रहने देना है, क्योंकि यदि कब्ज रहेगा और आप पाखाना जाते समय जोर लगाएंगे तो आपके अंदर के अंग बाहर को आने की कोशिश करेंगे और इसमें आप श्वेत पर्दर और रक्त पर्दर का इलाज अलग से अवश्य करें। और उकड़ू नहीं बैठना, उकड़ू बैठने का मतलब है जैसे समतल जो लैट्रिन की सीट होती है उस पर बैठकर हम पखाना करते हैं, वो उकड़ू बैठना हुआ, घुटनों को मोड़कर बैठ जाना, तो उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, उससे अंगों का दबाव नीचे को पड़ता है। और वजन नहीं उठाना चाहिए, बार बार सीढ़ियां भी चढ़ना इसमें अनुचित है, रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। और एक टाइट कपड़ा पहनना चाहिए हमेशा, या तो लंगोट पहने आप या कोई टाइट कच्छी पहनकर रखें हमेशा। अब मैं इसका आपको बताता हूं इलाज। इसमें मैंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग करता हूं। सबसे पहले आपको लेना है सीपिया, SEPIA, सीपिया
200, 6 बूंद सवेरे ही खाली पेट इसकी मुंह में डाल दिया करें। और इसी के साथ पोडोफाइलम, PODOPHYLAM, पोडोफाइलम 6, इसकी 6-6 बूंद दिन में 3 बार मुंह में डालनी है। और आयुर्वेदिक औषध है चंद्र प्रभा वटी, 2-2 वटी सुबह शाम आप लिया करें। और इसी के साथ साथ पत्रांग आसव 15 मिलीलीटर बराबर पानी मिला करके सुबह शाम चंद्र प्रभा वटी के ऊपर ही ले जा करें खाना खाने के 1 घंटे पश्चात। और अधिक परिश्रम नहीं करना है, शहवास से बचें, टाइट कपड़ा पहनना है, पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएं, स्वास्थ्यवर्धक पाउडर जो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है जिसमें शतावरी और मखाने का प्रयोग किया गया है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते हुए इन औषधियों को यदि लेते रहेंगे आपको निश्चित आराम आएगा और आपके जो अंग हैं वो अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगे और आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो सभी बहन बेटियों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए निरंतर हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।